आज इस वीडियो में हम इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नंबर वन, स्कैरूट एरोस्पेस। स्कैरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन स्टार्टअप है जिसको 12 जून 2018 में फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर पवन कुमार एंड नागा भारत ने साथ मिलकर हैदराबाद में फॉर्म किया था। स्कैरूट एरोस्पेस का प्राइमरी एम अपने खुद के विक्रम सीरीज के रॉकेट लॉन्च करना है। इनके विक्रम सीरीज में 3 मेन लॉन्च व्हीकल हैं, विक्रम 1, विक्रम 2 एंड विक्रम 3। इन्होंने अपने रॉकेट का नाम विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस के नाम पे रखा। विक्रम 1 एक 3-स्टेज रॉकेट इंजन है जो हर स्टेज में सॉलिड प्रोपल्शन को यूज़ करता है। इस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 225 kg और लो अर्थ ऑर्बिट में 300 kg की है। स्कैरूट के मुताबिक विक्रम 1 को 24 घंटे के अंदर असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। विक्रम 2 भी विक्रम 1 की तरह 3-स्टेज रॉकेट है लेकिन यह अपनी 3rd स्टेज में सॉलिड इंजन की बजाय क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करता है। इस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी 400 kg सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में और 520 kg लो अर्थ ऑर्बिट में है। स्कैरूट के मुताबिक विक्रम 2 को 72 घंटे के अंदर असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। विक्रम 3 स्कैरूट का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसका आर्किटेक्चर विक्रम 2 से काफ़ी मिलता है लेकिन विक्रम 3 अपने 1st स्टेज में सॉलिड रॉकेट बूस्टर यूज करता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 580 kg इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट और 720 kg इन लो अर्थ ऑर्बिट में है। अभी स्कैरूट ने $4.3 मिलियन की फंडिंग रेज करी है लेकिन 2021 तक इनके CEO का मानना है कि स्कैरूट $15 मिलियन की फंडिंग रेज कर लेगा। हाल ही में इन्होंने अपने अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसे ये रमन इंजन कहते हैं की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। इसके साथ ही ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है जिसने रॉकेट इंजन को टेस्ट किया है। 3, 2, 1, 5। कंपनी के फाउंडर पवन कुमार के मुताबिक स्कैरूट अपना पहला लॉन्च विक्रम 1 से 2021 में लॉन्च करेगा। नंबर 2, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में स्थित एक इंडियन स्टार्टअप है जिसको IIT मद्रास के 2 स्टूडेंट श्रीनाथ रविचंद्रन और मोइन SPN ने 2017 में साथ मिलकर फाउंड किया था। अग्निकुल कॉस्मोस का प्राइमरी एम स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक डेडिकेटेड रॉकेट और लॉन्च व्हीकल डेवलप करना है और इन्होंने अपने लॉन्च व्हीकल को अग्निवान का नाम दिया है। अग्निकुल के को फाउंडर मोइन SPN के मुताबिक अग्निवान 500 kg तक पेलोड की कैपेसिटी को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। अग्निकुल कॉस्मोस अपने लॉन्च व्हीकल अग्निवान को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। ये अपने आप में एक यूनिक आईडी है। इससे पहले आज तक किसी भी कंपनी ने रॉकेट बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया। 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके इन्होंने अपना सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसे ये अग्निलैट कहते हैं खुद ही डिज़ाइन किया है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड अग्निलैट इंजन 3 kN तक का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इनके फाउंडर के मुताबिक 3D प्रिंटिंग रॉकेट की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफ़ी कम कर देती है और रॉकेट के डिज़ाइन की एक्यूरेसी को भी काफ़ी मेंटेन रखती है। इनकी पूरी टीम अग्निवान रॉकेट और इसके सारे टेस्टिंग को NCCRD यानी नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट IIT मद्रास में ही परफॉर्म कर रही है। अग्निवान एक 3-स्टेज रॉकेट है। अपने पहले स्टेज में अग्निवान 7 Ignite इंजन को यूज़ करता है। हर एक इंजन 25 kN का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। 2nd स्टेज में अग्निवान Ignite Vacuum Optimized इंजन को यूज़ करता है जो सेम 25 kN का थ्रस्ट जनरेट करता है। 3rd स्टेज में अग्निवान 3D प्रिंटेड इंजन अग्निलेट को यूज़ करके पेलोड को सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। अग्निकुल कॉस्मोस अपने रॉकेट के लिए कोई भी लॉन्च पैड डेवलप नहीं कर रही। ये अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्च पैड और व्हीकल का यूज़ करेगी। मोबाइल लॉन्च पैड का यूज़ करने से यह अपने रॉकेट को वर्ल्ड में कहीं से कहीं पर भी लॉन्च कर सकती है। अग्निकुल ने अपने मोबाइल लॉन्च पैड को धनुष का नाम दिया है। इस तरह के लॉन्च पैड को यूज़ करने से ये अपने करोड़ों रुपये को बचा रहे हैं। अगर टाइम पे इनकी टीम को प्रॉपर फंडिंग मिलती रही तो 2021 में ये अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर देंगे। नंबर 3, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस एक इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको 2015 में रोहन गणपति ने बेंगलुरु में स्टेब्लिश किया था। बेलेट्रिक्स आज अपने 2 प्रोडक्ट पर काम कर रही है। इनका पहला प्रोडक्ट है लॉन्च व्हीकल यानी इनका रॉकेट चेतक और दूसरा इनका सेटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम। इनका रॉकेट चेतक एक 2-स्टेज रॉकेट है जिसकी फुल बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 150 kg की है। अपनी 1st स्टेज में चेतक 4 AON इंजन यूज़ करता है। हर एक इंजन 41 N का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। टोटल थ्रस्ट 164 kN का होता है। इस स्टेज को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ताकि ये मल्टीपल टाइम रिस्टार्ट हो सके।
चेतक के एवन इंजन में टर्बो पंपिंग के लिए ब्रशलेस डीसी मोटर का यूज़ किया गया है। यह अपने आप में एक अनोखा आइडिया है। अपने सेकंड स्टेज में चेतक एक सिंगल एवन इंजन यूज़ करता है जो 21 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अपने दोनों स्टेज में चेतक लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ प्रोपेलेंट यूज़ करता है। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस अपने रॉकेट चेतक से ज़्यादा अपने सेटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए फेमस है। सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए और सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए सैटेलाइट अपने थ्रस्टर यूज़ करता है जो बेसिकली केमिकल प्रोपल्शन से जनरेट होता है। लेकिन बेलेट्रिक्स एरोस्पेस इसमें बाकी स्पेस कंपनियों से काफ़ी एडवांस हो गया है। इन्होंने केमिकल प्रोपल्शन की जगह इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन डेवलप कर लिया है। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने अपने इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर को MET यानी माइक्रोवेव इलेक्ट्रोथर्मल थ्रस्टर का नाम दिया है और साथ ही इसको पेटेंट भी करा लिया है। इनका MET थ्रस्टर केमिकल थ्रस्टर से काफ़ी सेफ, रिलायबल और साथ ही साथ एफिशिएंट भी है। MET थ्रस्टर सैटेलाइट की लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देता है और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। MET थ्रस्टर के अलावा बैलिस्टिक एरोस्पेस दो और थ्रस्टर, हॉल इफेक्ट थ्रस्टर और मैग्नेटोप्लाज्मा डायनेमिक थ्रस्टर को भी डेवलप कर रही है। नंबर 4, पिक्सेल। पिक्सेल एक इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसको बिट्स प्लानिंग के दो स्टूडेंट अवेसी अहमद और क्षितिज ने फरवरी 2019 में स्टार्ट किया था। पिक्सेल एशिया की फर्स्ट स्टार्टअप है जिसने 2019 में टेक्स्टार स्टारबर्स्ट स्पेस एक्सीलेटर प्रोग्राम को क्वालिफाई किया था। पिक्सेल का एम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए स्मॉल एंड एडवांस इमेजिंग सेटेलाइट बनाना है। हाल ही में पिक्सेल ने अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिंग सेटेलाइट प्रोग्राम के लिए $5 मिलियन की फंडिंग भी रेज कर ली। इन सब के अलावा पिक्सेल ने इटालियन स्पेस कंपनी लीप स्पेस से एग्रीमेंट भी साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत लीप स्पेस पिक्सेल की अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट को ग्राउंड सेगमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बड़ी बड़ी MNC कंपनी जैसे इंडियन वेंचर कैपिटल फर्म लाइट स्पीड इंडिया पार्टनर, गुरुवेक्स वेंचर, स्टैनफोर्ड इंजन एंड रियान जॉनसन जैसी कंपनियां पिक्सेल में इन्वेस्ट कर रही हैं। पिक्सेल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए अपनी पहली रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सेटेलाइट को 2020 के अंत में लॉन्च करेगा।